तो देखो भाई लोग, यहाँ पे मेरे को किसी भी यूट्यूबर से कोई हेट नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो भी यूट्यूब टिप्स देते हैं मेरे को, उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने एक यूट्यूबर को फॉलो किया सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। मतलब मेरे को ये बोला गया था, मतलब एक यूट्यूबर ने मेरे को ये बताया था, सॉरी यूट्यूबर ने नहीं बताया था, मैंने वीडियो में देखा था, उन्होंने कहा था। तो मैंने सोचा यार मेरे को उस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज था, क्योंकि मैं किसी और कैटेगरी का वीडियो अपलोड करता था। तो जब मेरे को, मतलब जब टिकटॉक बैन हो गया, तो मैंने सोचा कुछ अलग कैटेगरी ट्राई करा जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने डबिंग करा था अलग अलग आवाज़ में अपने, उसमें डबिंग करके पीके मूवी का थोड़ा थोड़ा सा सीन लेके, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सीन लेके पूरा मिला के, उसका एक भी म्यूजिक मैंने नहीं यूज करा, कुछ भी नहीं यूज करा, कोई भी कॉपीराइट म्यूजिक मैंने नहीं यूज करा था। सिर्फ मूवी का 5-5 सेकंड का कहीं कहीं बीच बीच में मैंने सीन लेके पूरा मिला के उस पर पूरा डबिंग करा। मेरे को 5-6 घंटे लग गए पूरा डबिंग करके, पूरा मैंने एडिट करा अलग अलग तरीके से, पूरा एकदम अच्छे से वीडियो बना के, जैसे ही मैं अपने चैनल पे प्रमोट करा ना, 5 से 6 सेकंड में, मतलब अपलोड होने के 5 से 6 सेकंड में मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। तो यार मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब पर, शायद वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन यार मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। तो मैंने सोचा भाई ऐसा बहुत लोग करते होंगे, मतलब आप में से बहुत लोग ट्राई कर सकते हो और आपका जो चैनल है वो डूब सकता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, आपके चैनल को यूट्यूब डिलीट कर देगा। इसीलिए मैंने सोचा भाई मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे को 1 कॉपीराइट स्ट्राइक तो मिल चुका है, किसी की वजह से मिल गया तो वो जाने दो, वो बात की बात है, किसके वजह से मिला मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो कौन सा यूट्यूबर है और किसके वीडियो देख के मैंने ऐसा बनाया था। तो यार मेरे को तो कॉपीराइट स्ट्राइक अब मिल गया, वो कंपनी का है, मतलब कंपनी की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आया और वो मेल का रिप्लाई भी नहीं आया और वो हटेगा भी नहीं। तो अभी मेरे को 3 महीने तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक का, तो मैंने यहाँ पे कुछ फनी वीडियो बनाने का ट्राई किया था और कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे ठोक दिया गया। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी यूट्यूब टिप्स वाले हैं, जो भी यूट्यूब पर टिप्स देते हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो भाई आप लोग वही टिप्स दो जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई स्ट्राइक ना मिले, किसी को कोई हेट ना हो। तो बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोग ऐसा वीडियो नहीं अपलोड करो, कोई भी क्लिप आपको मूवी से या फिर कहीं से भी यूज नहीं करना है और कुछ भी नहीं यूज करना है। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है और आपका चैनल मिक्स कंटेंट भी आ जाएगा। और अगर आपका चैनल मिक्स कंटेंट में आता है तो आपको यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से कोई भी अवार्ड भी नहीं मिलेगा, मतलब जो भी यूट्यूब का अवार्ड मिलता है, सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, जो भी मिलता है वो सब भी नहीं मिलेगा और आपके चैनल का ग्रोथ भी रुक सकता है और आपको स्ट्राइक मिलेगा तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। तो आप लोग ऐसे वीडियो से दूर रहें, आप अपना खुद का टैलेंट दिखा के खुद का वीडियो बनाओ भाई, कुछ अलग यूनिक बनाओ, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, कोई भी मिक्स कंटेंट यूज मत करो मेरी तरह। जैसे कि मेरे को एक स्ट्राइक मिल गया तो अभी मेरे को समझ में आ गया, इसीलिए मैं कोई भी मिक्स कंटेंट अभी नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को भी नहीं बनाना है, बस यही बताने के लिए वीडियो को बनाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी बात से अगर आप सहमत हो यार, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के।